मध्य प्रदेश क्रिकेट के दिव्यांग टीम के शर्मा का गुणागान हुआ। इस अवसर पर दिव्यांग सेवा संस्थान के सदस्य उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर दीपक शर्मा ने बताया कि नमस्कार, सबसे पहले तो सभी को गुना की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, मैं दीपक शर्मा मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम से उप कप्तान। मैं बताना चाहूँगा कि अभी विश्व विकलांग दिवस पखवाड़े के अंतर्गत 3 टूर्नामेंट मध्य प्रदेश टीम को खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें टीम का प्रतिनिधित्व करने का मुझे गुना जिले से अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रदेश की टीम 3 टूर्नामेंट में से दो टूर्नामेंट में विजेता रही, जिसमें दिल्ली टूर्नामेंट में 4 स्टेट की टीमें थीं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। इसमें कांटे की टक्कर के मुकाबलों में दिल्ली को 7 विकेट से मध्य प्रदेश की टीम ने हराया, और इसके साथ ही जो कि 9-10-11 दिसंबर को दिल्ली में हुआ था, और इसके पूर्व मैं बता दूं आपको 2 और 3 दिसंबर को जिला प्रशासन सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से अपने मुरैना ज़िले में आयोजित हुआ डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम को 2-1 से हराकर मध्य प्रदेश की टीम विजेता रही, और इसके साथ ही मथुरा की GLA यूनिवर्सिटी में 3 राज्यों के बीच टूर्नामेंट हुआ, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम राजस्थान को हराकर विजेता रही। तो इसी के साथ ही मैं समस्त गुना की जनता और हमारे दिव्यांग सेवा संस्थान के साथी स्वागत करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं सर्किट हाउस में। मंत्री जी ने ही आपको बधाई दी, गुना की जनता का धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली थैंक्स दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन और दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी से ही मिले आप, बधाइयां दी। मंत्री जी को भी मैंने इसके लिए अवगत कराया, मंत्री जी ने सम्मानित किया, सामाजिक न्याय विभाग के, निःसक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी एवं सांसद महोदय जी, राज्यसभा सांसद जी एवं माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने भी इसको सम्मानित किया यहाँ पर सर्किट हाउस में। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।